नाइन्थ ईयर, आज हम यूनिट नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अर्शमीडस प्रिंसिपल, टॉपिक नंबर 7.6 है अर्शमीडस का असूल। अर्शमीडस एक ग्रीक साइंटिस्ट था, उसने रूल दिया, असूल दिया, प्रिंसिपल दिया। किन ऑब्जेक्ट्स के बारे में? उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो लिक्विड के अंदर डिबोए जाते हैं। उसने ये कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, जिसम को लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाए, लिक्विड के अंदर डिबोया जाए मुकम्मल या जुज़्वी, जैसे ये पॉइंटर है, इसको पानी के अंदर या कोई भी लिक्विड उसके अंदर आप डिप करते हैं, जुज़्वी इतना कर लें, इतना कर लें, या कम्प्लीटली आप इमर्स करें, तो इस पर एक लिक्विड की तरफ से आप थ्रस्ट फोर्स अमल करेंगे, एक उछाल की फोर्स अमल करेंगे। वो जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी? वो फोर्स इक्वल होगी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ये जो ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा, ये जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जितने लिक्विड को हटाएगा, उसके वेट के बराबर होगा। अब देखना बेटा, हम लोग नहाते हैं स्विमिंग पूल में या किसी भी जगह पे, आप मतलब है नहाते हैं, तो जब हम पानी में जाते हैं तो अपनी जगह बनाने के लिए पानी को डिस्प्लेस करते हैं, पानी को हटाते हैं। जितना वॉल्यूम होता है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालते हैं पानी में, वो आप उतना डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम हो ऑब्जेक्ट का उतना लिक्विड डिस्प्लेस होगा। अब यहाँ पर जब वो डिस्प्लेस होता है तो एक ऊपर की तरफ फोर्स असर करती है, वो होती है अप थ्रस्ट। कौन सी फोर्स होती है? अप थ्रस्ट फोर्स। वो हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स, इमर्स का मतलब होता है डिबोना, जब किसी चीज को मुकम्मल या जुज़्वी तौर पर डिबोया जाए इन अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड में, एंड अप थ्रस्ट एक उछाल की फोर्स, एक उछाल की फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इस पर अमल करती है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हटाए गए लिक्विड के वजन के बराबर होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं डेफिनेशन में, स्टूडेंट ऊपर बिल्कुल सही लिखते हैं, वो नीचे लिखते हैं कि व्हेन, ऊपर यहाँ लिखते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स इन अ लिक्विड देन अप थ्रस्ट एक्ट ऑन इट दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो गलती कर जाते हैं, यहाँ लिखते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं होती, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हटाए गए लिक्विड के वजन के बराबर। लिक्विड जितना हटेगा उतनी जो है फोर्स उस पर अमल करेगी। ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसको आपने पानी में किसी भी लिक्विड में आपने इमर्स किया। अब जब ये इमर्स होगा, ठीक है, नीचे की तरफ जब जाएगा तो ये हटाता है लिक्विड, जितने लिक्विड को हटाता है उतना ही आप थ्रस्ट उस पर अमल करती है। ये अर्शमीडस प्रिंसिपल। अगर ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होती आप थ्रस्ट तो दुनिया में कोई जिसम डूबता नहीं, क्योंकि वेट डाउनवर्ड होता, रिएक्शन अपवर्ड, दोनों इक्वल होते तो वो ऑब्जेक्ट इमर्स ना होगा। तो लिहाजा आप कहेंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस इक्वल, पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब हम लेट करते हैं कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको एक पानी में डब्बे में डालते हैं, ठीक है, लेट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं, उससे हम मैथमेटिकल रिलेशन प्रूव करते हैं कि अप थ्रस्ट जो है ये डिपेंड किस पे करती है, किस की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे होती है। यहाँ पे देखिए डायग्राम है, ये लेट, ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, एच इसकी हाइट है, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, साइड में भी बना देता हूँ, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये और लेट एच इसकी हाइट है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पॉइंट मेरे हाथ में है, इसका ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन ले लिया, एच इसकी हाइट है, इसको हमने इमर्स किया किसी लिक्विड में, इमर्स डिबोया। अब जब हम इसको डिबोते हैं, ये लिक्विड की फाइनल ऊपर वाली सरफेस है, ठीक है, लेट अपर सरफेस से यहाँ तक इसकी सरफेस तक ये है H1,
क्या है एच वन लिक्विड सरफेस और अपर सरफेस टॉप और ये एच वन है और लिक्विड की जो सरफेस है उससे इसके बॉटम तक ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसको हम नाम दे देते हैं एच टू। ये देखिए ये क्या है एच टू और ये क्या है एच वन। अब ये एच टू में से अगर एच वन को माइनस कर दें एच बचता है, दूसरे लफ्जों में एच इसके बराबर होगा एच टू माइनस एच वन, इसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर लें हाइट बचे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एक प्रेशर ऊपर की तरफ हम लगा रहा है, ये लेट है जी पी वन और ये है जी यहाँ से जो है प्रेशर ये पी टू है, ठीक है। प्रेशर एक्टिंग ऑन टॉप पी वन, प्रेशर एक्टिंग ऑन बॉटम पी टू। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर किसके बराबर होता है, यहाँ में प्रेशर जो है इक्वल होता है रो जी एच के, यह हमें पढ़ा हुआ है। देयरफॉर पी वन किसके इक्वल आ जाएगा रो जी एच वन, ये हमने मैथमेटिकल प्रूफ किया था लास्ट टाइम, इसको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। रो जी एच प्रेशर है, अब जो पी वन होगा रो जी एच वन, सिमिलरली पी टू रो जी एच टू, ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए प्रेशर के, ये टॉप पर अप ऊपर वाली सतह पर और ये बॉटम पे प्रेशर अपन का। और वी नो दैट सिंस प्रेशर किसके इक्वल है फोर्स अवर एरिया, फोर्स अवर एरिया, यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू लेंगे क्योंकि हम यहाँ अपथ्रस्ट फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, अपथ्रस्ट उछाल की फोर्स, तो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स जो है इक्वल होगी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये फोर्स का रिलेशन आ गया। अब हम डायग्राम में देखते हैं जैसे प्रेशर अपर ऊपर की तरफ से मन कर रहा है ऐसे एफ वन फोर्स ऊपर की तरफ से मन कर रही है और एफ टू नीचे से मन कर रही है, ये हमारे पास है ये है एफ वन और ये क्या है एफ टू। जो नेट फोर्स होगी वो F2 माइनस F1 होगी, नेट फोर्स किसके इक्वल होगी F2 माइनस F1, खैर पहले हम फोर्स 1 का रिलेशन लेते हैं यहां से, ठीक है ये किसके इक्वल आ जाएगा फोर्स 1 P1 मल्टीप्लाइड बाय A, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये सेम दोनों इधर ही ये दोनों का सेम हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू ये है ठीक है 14 वैल्यू ऑफ P1, P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी ये रो जी एच वन रो जी मल्टीप्लाइड बाय ए। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास जो है एफ टू किसके इक्वल आ जाएगा रो जी एच टू, ठीक है यदि एफ वन है रो जी एच वन ए, एफ टू किसके बराबर आ जाएगा रो जी एच टू ए के बराबर आ जाएगा क्योंकि एफ टू इक्वल होगा ना पी टू मल्टीप्लाइड बाय ए, आप ये दे देंगे। अब जो नेट फोर्स होगी मैं दोबारा बता रहा हूं, हमने देखे अपथ्रस्ट फोर्स अपथ्रस्ट, अब जो ऊपर फोर्स हमारे पास आ रही है अपथ्रस्ट में से उसकी वैल्यू माइनस करेंगे F2 माइनस F1, ठीक है नेट फोर्स F2 माइनस F1, F2 की वैल्यू पुट कर दें रो जी एच टू ए रो डी एच टू ए, एफ वन की वैल्यू पुट कर दें रो डी एच वन ए, ये हमने वैल्यूज पुट की है।
अब देख लेंगे वैसे कॉमन क्या होता है, रो कॉमन है, जी कॉमन है, ए कॉमन है, रो जी ए को हम कॉमन ले लें, एफ टू माइनस एफ को हम नेट फोर्स का नाम दे देते हैं, एफ का नाम दे देते हैं, रो जी ए। अब अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये बाहर आ गए, ये बच जाएगा एच टू माइनस एच वन, ये हमने कॉमन लिया हुआ है बाहर। यहाँ पे हमने क्या बताया, एच टू माइनस एच वन किसके बराबर है, ये देखो ऊपर जो हमने लिखा था ये एच के बराबर है, यहाँ लिख ले बेशक आप, सिंस एच टू माइनस एच वन इक्वल है एच के, देयरफॉर फोर्स रो जी ए मल्टीप्लाइड बाई एच। ये हमें पता है कि एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई हाइट ये होता है वॉल्यूम के बराबर, किसके बराबर होता है वॉल्यूम, सिंस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो है ये हो गया वॉल्यूम के बराबर, तो देयरफॉर रो जी वी, ये वॉल्यूम की वैल्यू। अब आप देखिए ये फाइनल रिलेशन है आपका फोर्स का, रो जी वी। अब यहां पे देखें रो डेंसिटी इट इज कांस्टेंट, जी इट इज कांस्टेंट, यहां पे वेरिएबल क्या है वी वॉल्यूम, मींस के वॉल्यूम जो है अगर बढ़ेगा तो अर्थ फोर्स भी बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम कम होगा तो अर्थ फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। मसलन आप एक बलून लेते हैं उसका वॉल्यूम ज्यादा है, आप उसको पानी के अंदर डुबोते हैं, डिप कर रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं, वो ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करता है और बलून फौरन ऊपर आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि उस पर अर्थ ज्यादा लिक्विड है। तो इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप ये वाजह है कि जो अपथ्रस्ट ज्यादा डिपेंड करती है वॉल्यूम की, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा अपथ्रस्ट ज्यादा होगी, वजह क्या है, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, एक ये ऑब्जेक्ट इसका वॉल्यूम कम है ट्यूब जाएगा क्योंकि इसमें लिक्विड कम डिस्प्लेस, जब वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा होगा अपथ्रस्ट ज्यादा असर करती है। ये था बेटा अर्शमीरस प्रिंसिपल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दो टाइम है इसका मैथमेटिकल रिलेशन, और ये डायग्राम इसकी मस्त भी है, ये आप देखें कॉलेज चला।